नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विन्या और एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके ही चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं फिर से अपना गार्डन मेकओवर वीडियो। इससे पहले मैंने आपको पार्ट वन दिखाया, आपको काफी पसंद आया, सब लोग कह रहे थे कि पार्ट टू जरूर दिखाएं। तो कुछ काम पेंडिंग रह गए हैं, उन्हें मुझे आज करना है। तो चलिए बिना देर के वे शुरू करते हैं। और मैंने आप सबको बताया कि हमारे यहाँ सड़क बन रही है, तो इस वजह से शोर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैं वैसे वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। और ये वाले वीडियो क्रिएटिव वाले, इनमें ज्यादा बोलना नहीं पड़ता, तो बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो मैंने सोचा अपने गार्डन को एक नया लुक देते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, वही आपके साथ शेयर करते हैं। एक DIY तो मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं किया। जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो मुझे कई बार बहुत डिस्टरबेंस हो जाता है, तो मैंने उसके लिए छोटा सा एक सेटअप किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने ये लगा दी है तिरपाल या पन्नी जो भी है, इसको लगा दी है। फोल्ड भी हो जाती है, खुल भी जाती है। जब मुझे वीडियो बनाना होता है तब मैं इसको बंद कर देती हूँ, ताकि मेरा ध्यान सिर्फ वीडियो पे रहे और कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो अभी देखिए मैं इसको इस तरीके से लगा रही हूँ और आराम से बैठकर अपना क्रिएटिविटी वर्क मैं निपटाऊंगी। तो आज भी मेरा साथ दे रहे हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी करनी है जो मैं नहीं कर पाती हूँ, वो मेरे हस्बैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रही हूँ, जो मैंने टंकी रख के देखी थी। इससे पहले हमने ये टंकी काटी थी जो गेहूं की टंकी थी, तो इसको मैंने लगाकर देखा था कहाँ पे रखना है, कहाँ पर सेट करना है। तो इसे मैं लेके आ रही हूँ और इसको मुझे पेंट करना है। तो ये पेंट करने के बाद कैसी लगेगी मुझे नहीं पता, पर मैं चाहती हूँ कि ये दिखने में अच्छी लगे। तो एक तो मैं ले आई हूँ और एक मेरे हस्बैंड मुझे लाकर दे रहे हैं, तो कह रहे हैं आप इसमें पेंट कर लो और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर और अच्छा हम क्या कर सकते हैं। तो वो तो अपने काम में लग गए, इसमें हम बड़े बड़े पेड़ लगाने वाले हैं। तो मैं टंकी लेके बैठ गई हूँ और मैं पहले से मैंने एक पैटर्न ड्रॉ किया है, उसको मैं इस पे ड्रॉ करके इसमें पेंट करूंगी। तो वो मैं कर रही हूँ और एक छोटा सा मैं फ्लावर बनाने वाली हूँ इस पे। तो नाप मेरी एक जैसी रहे, इस वजह से मैं पहले से एक बना के लाई हूँ, ताकि दोनों में फ्लावर एक जैसे बने। तो वही कर रही हूँ मैं। तो फ्लावर तो मैंने ड्रॉ कर लिया है, इसके बाद मैं स्टार्ट करने लग गई पेंटिंग इसमें। तो सबसे पहले मैंने लिया है रेड कलर, क्योंकि रेड कलर दूर से ही दिख जाता है, और जो भी कलर मेरे पास अवेलेबल थे उसी से ही मैं करने वाली हूँ। मैं अलग से कोई चीज नहीं लेके आई हूँ, जो घर पे रखे थे उसी से ही कर रही हूँ। तो देखिए इतना तो मैंने पेंट कर लिया है, रेड कलर किया है, बीच में ये ऑरेंज कर दिया है, यही मेरे पास थे। अब मैं इसमें बारीक डिटेल्स कर रही हूँ और मुझे नहीं पता क्या बनेगा, पर करने में मुझे बहुत मजा आ रहा था। पेंटिंग करना मुझे काफी अच्छा लगता है और सोच सोच के मैं कर रही थी। और मेरे पीछे आप देखिए हमारी एक लड्डू है जो स्ट्रीट डॉग है, और हमारी फेरिया, दोनों आपस में पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं और वो भी परेशान है कि ये क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों इतनी मेहनत के बाद मेरा एक में तो पेंटिंग हो गई है, अभी फिलहाल मैं एक में इतनी ही करने वाली हूँ और एक दो साल बाद फिर इसमें कुछ चेंज करूंगी। अभी मुझे ये दूसरा वाला भी करना है, दूसरा वाला बिल्कुल ये देखिए खाली है, और दोनों को मुझे एक जैसा करना है। तो काफी अच्छा लग रहा है मुझे, काफी सुंदर लग रहा है। तो ये तो मैंने पेंट कर दिया, और इसके अलावा एक और DIY मैंने करा है, और वो मेरे हस्बैंड ने मुझे आइडिया दिया है, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। वो क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे घर में देखिए बांस पड़े रहते हैं, तो जब हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चला था तो ये बांस बच गए थे, तो मैंने सोचा इसका गार्डनिंग में यूज किया जाए, और मेरे हस्बैंड ने इतना सुंदर यूज किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों का दिमाग आज एक जैसा चल रहा है, ये देखिए। इधर देखिए हस्बैंड ने कितना प्यारा सेटअप किया, देखिए इधर तो मैं रखूंगी टंकी, मैं आपको दिखाऊं, जगह खाली कर दिए दोनों साइड, ये हमारी हमारी बड़ी बड़ी टंकी रख दी जाएंगी। हाँ रख के देखो एक बार, तो वो लेके ही आ गए, मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लगेगा। रखो तो ये देखिए ऐसे इधर की साइड एक टंकी हो गई, ऐसे ही उधर की साइड रखी जाएगी। और हस्बैंड ने कितना प्यारा सेटअप बनाया, देखिए एक आर्च टाइप का बना दिया है इन्होंने बांस से, मेरे बस की तो बात थी नहीं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और दोनों तरफ बोगनविलिया रख दिए हैं। और जब ये बड़े हो जाएंगे ना, तो बहुत ही ज्यादा मतलब एक पूरा भर जाएगा, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। तो जब तक मैं पेंट कर रही थी तब तक इनकी कारीगरी चल रही थी, अभी और भी पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं। तो फिलहाल तो मुझे काफी अच्छा लगा ये, और आपको भी अच्छा लगा होगा, मुझे बड़ा खूबसूरत लगा ये। तो बांस का सही उपयोग हो गया है,
एक दो जगह और बनाएं क्या ऐसा? नहीं, ये अमरूद का पेड़ इसमें लगेगा। हाँ, ये तो हट जाएगा यहाँ से। फिर हाँ, बाद इसका ना हाँ, बड़ी हो जाएगी। हाँ, अब इसका पूरे का ऐसे वहाँ खड़ा करके ऐसे छप्पर सा बन गया। अभी तो अमरूद का पेड़ भी लगाना है मेरे को। हाँ, तो अभी फिलहाल ये चल रहा है और बहुत ज्यादा शोर है, बहुत ज्यादा धूप भी बहुत तेज हो गई है, लेकिन ये काम निपटा के ही रहेंगे। तो फिलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ, आप लोग बोल रहे होंगे ये देखिए काम चल रहा है अभी, तो इस वजह से अब दूसरा वाला पेंट करती हूँ। तो अब दूसरा पेंट करती हूँ फटाफट से, ताकि आगे का काम कर सकूं। दोनों टंकियों में पेंट हो चुका है, काफी खूबसूरत लग रहे हैं, और जब पूरा सेटअप हो जाएगा तब बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो बस ऐसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ जो कर रही हूँ, और रख रख के देख भी रही हूँ कि कैसा लग रहा है, कैसा हो रहा है, कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। अभी तो बहुत सारे काम के बाद है, सबसे क्रिटिकल काम वो है इन टंकियों में छेद करना। तो ड्रिल मशीन लेके आ गए हैं, और इसके बाद अब इसमें करना है होल, तीन चार होल करने हैं इसमें। कहाँ है? इधर से कहाँ होगा? उधर से होगा ना, उलट के। हाँ नहीं, इधर से होगा ना, पानी नीचे निकलेगा ना। पानी नीचे निकलेगा मतलब? अगर उधर से करेंगे तो जी वो होगा ना, खुलेगा, ये ऊपर आ जाएगा, पानी रुक जाएगा। इधर जमीन में ड्रिल नहीं होगा फिर? उल्टा करके करूँ? हाँ, जमीन में ड्रिल हो जाएगा ऐसी। हाँ, करंट तो नहीं मारेगा, लोहे का है वो। नहीं, करंट तो नहीं। बताओ कहाँ कहाँ है? बस कर दो। हाँ भागता है? हाँ बस बस, बड़े आराम से चार पांच छेद कर। हाँ कोई नहीं, पांच चार कर दो। इसमें देखिए होल तो हो चुके हैं, कई सारे होल कर दिए हैं, तो ये पानी निकलता रहेगा, तो प्लांट हमारा अच्छा रहेगा। मैं तो ड्रिल मशीन से छेद कर दिया, लेकिन जो ये नारियल के ये थे, ये देखिए इनके मैं जो बनाने वाली हूँ, इसमें भी ड्रिल करना था टांगने के लिए, तो इसको मैं दो तरफ से छेद खुलवा रही हूँ इसमें, ये देखिए। तो उसके बिना तो ये टंगेगा ही नहीं, और इतना आसान नहीं इसमें छेद करना, लकड़ी वाली बीट भी नहीं चल रही है ना, बहुत मुश्किल से, हार्ड है। हो गया दोनों साइड से? हो गया ना। इसके बाद जो सबसे मुश्किल टास्क था वो था प्लांट को इन टंकियों में शिफ्ट करना, क्योंकि काफी भारी प्लांट थे, टूटे ना और टब भी ना टूटे, तो हम कोशिश कर रहे थे कि सब कुछ सही सलामत हो जाए, और भारी भी बहुत थे, तो डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से करें ताकि ये अच्छे से शिफ्ट हो जाए। और मिट्टी भी हमें लानी पड़ी नीचे से, तो काफी मेहनत हो गई थी, तो वो वीडियो मैंने नहीं लिया। देखिए हमारा प्लांट तो निकल गया और इसको हमने शिफ्ट कर दिया, तो एक प्लांट तो हमारा लगभग लग ही गया। तो देखने में आसान लग रहा है, लेकिन ये आसान नहीं है। और इसके बाद थोड़ी सी कमी पड़ रही थी मिट्टी की, तो वो भी हमने फिल कर दी इसमें, तो फाइनली हमारा एक प्लांट तो कंप्लीट हो गया। सबसे ज्यादा जो मेहनत पड़ी वो थी नीचे से मिट्टी लाके फिल करने के लिए, क्योंकि काफी लंबा प्रोसीजर हो गया था ये, तो हमारा दूसरा प्लांट भी शिफ्ट हो गया है, तो इसको भी इसी तरीके से हम कर लेंगे। तो ये काम तो हमारा फाइनल हो गया, यही हमें सबसे ज्यादा टफ लग रहा था। इसके बाद फिर छोटे मोटे काम बचे थे, जो मैं ये हैंगिंग वाला लाई थी नीचे से, इसको मैंने बर्ड हाउस के ऊपर हैंग कर दिया, क्योंकि वहां पर अच्छे से हैंग हो गया। वहां पर मैं छोटे छोटे प्लांटर लगाने वाली हूँ, और इसके बाद मुझे ये जो मैंने बनाया था, जो लकड़ी के बेकार टुकड़ा पड़ा हुआ था, उसको मुझे इसके नीचे हैंग करना था, काफी अच्छा लग रहा था, तो इसको मैं कील से इस तरीके से लगा देती हूँ ताकि अच्छे से लग जाए। तो ये लग चुका है, तो काम मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर से मैंने जो पुरानी चीजें मेरी रखी हुई थी, जो फेड हो चुकी थी, फिर से मैं उसको कलर करने वाली हूँ, ताकि ये नई लगे, खूबसूरत लगे। तो ये एक पुराना घर रखा हुआ था, मैंने सोचा इसको पेंट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। तो ये काम मैंने बड़े आराम से किए हैं, बड़े इत्मीनान से किए हैं, और मजे लेकर किए हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपका मन जरूर लगना चाहिए।
और इसके बाद ये जो हमारा केस था ये नीचे रखा हुआ था, एक नीचे लगा हुआ है, तो ये एक वाइट था पूरा और काफी गंदा हो गया था, तो इसको मैंने थोड़ा सा न्यू लुक दे दिया है। जो इसके फ्लावर है मैंने पिंक कर दिए हैं, तो ये दूर से मुझे काफी अच्छा लग रहा था तो इसको मैंने कर दिया है। तो अपने गार्डन में तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत कर दी है, तो फाइनल लुक देखने के लिए आप प्लीज मेरा टेरेस गार्डन ओवरव्यू जरूर देखिए, जो मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया है, और मैं भी एक्साइटेड हूं कि पूरा न्यू लुक कैसा आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर मिलते हैं।